औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान, आप पूरी दुनिया में देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इंसान के ऊपर शैतान है। इसकी मैं दावे से आपके सामने शहादत रख रहा हूं। अभी अफगानिस्तान या पाकिस्तान के अंदर, वहां पर जो है एक मस्जिद में 59 लोगों को बम से उड़ा दिया गया। मुसलमान इबादत कर रहा, अमन चाहता, अल्लाह सीधा रास्ता दे, सिरात मुस्तकीम दे बोल के उसे मांग रहा, तो उनको उड़ा दिए, ये शहीद हो गए। ये तो बहुत लकी निकल गए, ये मासूम थे, मारने वाला शैतान था। अब ये साजिश या तो अमेरिका की हो सकती, या तो सियासत की हो सकती वहां के लीडरों की, या एक खामोश जो है जिंदगी गुजारा अमन वाली, उसको जो है अज़ियत देने, तकलीफ देने के लिए भी हो सकता। शैतान है, हर इंसान पे शैतान है, चाहे वो मुसलमान हो या कोई और। दूसरा मिसाल, ये अभी हुआ दो एक दिन पहले, 59 लोग मर गए। मैं अभी देखा वो उसका वीडियो अमेरिका में बैठ के। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के 26 जनवरी के दिन इंडियंस अपना फ्लैग लेके ऑस्ट्रेलिया के अंदर सड़कों पे आए, उसके पीछे खालिस्तान वाले आए, वो लोग भी फ्लैग लेके आए उनका, खालिस्तान का, जो उन लोग बना के ख्वाब देख रहे कि हम ये मुल्क बनाएंगे सरदारों का बोल के। वो लोग आके इंडियंस पे हमला कर दिया। मैं इंडियंस कह रहा हूं क्योंकि उसमें मुस्लिम भी हो सकता, देखो इंडिया का, उसमें क्रिश्चियन भी हो सकता, हिंदू भी हो सकता। इंडियन फ्लैग की दुश्मनी में खालिस्तान वाले आके अपना फ्लैग बता के उन लोगों को मार के लड़ाई झगड़ा हो गया बहुत बड़ा। शैतान कौन है भाई? क्या गुरु नानक आके लड़े, खालिस्तान दिलाए? सवाल ये उठता, एक कंट्री ने दिलाए, फिर लोग वर्ल्ड के गुरु कैसा हो गए? इंदिरा गांधी के वक्त से जो है इनके पीछे पड़े हुए कि हमारे पंजाब सेपरेट दे दो, अब तक क्यों नहीं दिलाए? क्या कर रहे, तमाशा देख रहे? शैतान है ये। मैं खालिस्तान के सरदार को भी शैतान बोल रहा हूं, और जो है मैं रशिया के भी इंसान को शैतान बोल रहा हूं, क्योंकि वो यूक्रेन से लड़ रहा, साल के करीब हो जा रहा, क्रिश्चियन है अमेरिका, डायरेक्ट नहीं लड़ सक रहा यूक्रेन रशिया से, यूक्रेन का बहाना लेके उसको वेपन दे रहा, क्रिश्चियन शैतान है, हर मजहब वाला शैतान है। अब अडानी को ये मोदी 10 साल से मदद कर रहा, और दुनिया में कोई भी इतनी जल्दी नंबर्स में, 100 के जो नंबर्स टॉप 10 है उसमें इतना जल्दी रिच नहीं हुआ जितना अडानी रिच हुआ। समथिंग फिशिंग, समथिंग गोइंग रॉन्ग, इसके पीछे कुछ है, ये धोखा देही है, क्योंकि खुद के शेयर वो खरीदता है, खुद के शेयर की जो है स्टॉक मार्केट में उसकी कीमत बढ़ गई जैसे बताता है, और लोगों को वर्ल्ड वाइड बेवकूफ बना रहा है। इसमें चाइना का एक उसका दोस्त है, जबकि चाइनीज की दुश्मनी है इंडिया से, और इन्हें बोलता मैं देशभक्त हूं, देशभक्त और हिंदू हूं, और फिर मेरे पास झंडा है भारत का, बेवकूफ बना रहा हिंदू को। शैतान ही क्यों? क्योंकि एक तरफ यूएई के भी शेयर लोग जो है दे रहे इसके स्टॉक मार्केट के नाम से, अडानी के जो 11-12 उसके जो इंडस्ट्रीज के जैसे है। दो दुश्मन, एक मुसलमान को देखना नहीं चाहता इंडिया में, इनके पास से शेयर्स ले रहा अपने बेवकूफ बनाने की दुनिया में। दूसरा चाइना है जो उन लोग पूरा मुल्क ही छीन लेना चाह रहे, इनके भी दोस्त बनाया हुआ है। अब बताओ इन्हें सच्चा है क्या हिंदू? हिंदुस्तान में हिंदुइज्म खत्म हो गया, मगर उसकी जो चाल है मोदी की, मोदी ने इतना एडवर्टाइजमेंट कराया बीजेपी का और अपनी पर्सनालिटी का, क्योंकि उसको बच्चे तो नहीं है, उसको बीवी भी नहीं है। अब एक तन्हा जिंदगी में यही है कि मेरे को इतनी शोहरत मिले गांधी की उतनी, यही दीवानगी में उन्हें जो है
इतना अपना प्रचार कहते हैं, पब्लिसिटी कहते हैं, एड्स दलाया अखबारों में, टीवी में, सारे चैनल्स में, उन्हें छा जाने के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करा दिया। ये गरीबों का पैसा था। अब गरीबों के दिमाग में ये आएगा कि ये मोदी ही है शैतान, ये अडानी ही है शैतान, अनखरीद वो दिन दूर नहीं, इसको हैंग कर देंगे, इसको फांसी चढ़ा देंगे मोदी को, सद्दाम हुसैन की तरह। अल्लाहु अकबर, मेरी बात का चैलेंज देखो, अल्लाहु अकबर, सब शैतान है।